सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने LCR सर्किट जो भी पढ़ा हुआ है, चाहे वो प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, या हमने RL और RC का कॉम्बिनेशन लिया हो, या सीधे सीधे LCR का कॉम्बिनेशन लिया हो, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर पर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए थे, आज भी कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, लेकिन ये बड़े छोटे वाले शॉर्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, लेकिन ये होते हैं ट्रिकी। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट बड़े न्यूमेरिकल लगा के जाते हैं, छोटे न्यूमेरिकल छूट जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज में भी दो चीज़ें हैं, एक है पीक वोल्टेज और एक होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम जनरली इजीली उसे एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, है ना। तो जो हमें ये जो घरों की सप्लाई या जो फिर हम जो अपरेटस खरीदते हैं उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट मार्क, वो क्या लिखा होता है, वो VRMS लिखा होता है। जब भी आपको अगर पीक वैल्यू ना दे और सीधे एक वोल्टेज दे दे तो वो क्या होगा, VRMS होगा। या ये कह दें कि घरों में जो सप्लाई हो रही है वो क्या होगी, VRMS वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये क्या है, ये VRMS है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो EMF RMS क्या है, 220 वोल्ट, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अरे सॉरी वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो होगा V=V0 sin ωt। भाई आप VRMS लिखे या EMF RMS लिखे, दोनों सेम है। तो यहाँ पर अब देखिए हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, एक तो V0 की वैल्यू आ सकती है इससे, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो दोनों एक वैल्यू क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ VRMS, ये होता है V0/√2, ठीक है। तो यहाँ पर V0 की वैल्यू 220/√2 नहीं, VRMS दिया हुआ है, तो यहाँ से √2 VRMS यानी √2 × 220, ये करीब आएगा 311 के आसपास। √2 की वैल्यू 1.414 होगा, आप सॉल्व करेंगे लमसम 311 वोल्टेज के आसपास आएगा। दूसरी बात, अगर हम ओमेगा की वैल्यू रखना चाहें तो ओमेगा होगा 2πf, वैल्यू रखिए 2 × 3.14 × f की वैल्यू 50 × 2 100 हो गया, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 314। तो यहाँ पर रख दीजिए V=311 sin 314 t, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन। समझ में आया। अच्छा, अभी हमें इसमें कहीं से लीड और लैग नहीं कराना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि यहाँ पर RLC कुछ लगाया गया है। जब तक ये चीज़ें लगाने के बारे में ना बताएं, हम लोग लीड और लैग नहीं कराएंगे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से ज़रा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट DC। जो बल्ब हमारे पास है वो 12 वोल्ट DC पर काम करता है, और हमने क्या देखा कि इफ़ दिस बल्ब इज़ कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, जोड़ दिया गया उसे AC सोर्स से, तो क्या होना चाहिए, या तो ख़राब हो जाए, तो बात समझ में आती कि अभी गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, उसकी जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मली आ रही है, ठीक है। व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स, जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट इसके साथ कंपेटेबल है, यानी ये हमें दिया हुआ है EMF RMS, सीधे सीधे 12 वोल्ट। आपको क्या करना है, वी वोल्ट निकाल लेना है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 × 12, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस है 50 ओम इज 10 वोल्ट। क्या दिया हुआ है हमें, पीक वैल्यू, ये जो गिवन है वोल्टेज, ये कौन सा है, पीक वैल्यू है, यानी ये दिया हुआ है V0, कितना है भाई 10 वोल्ट। फाइंड द RMS करंट, फाइंड द RMS करंट इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज़। राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट,
तो सबसे पहले क्या करो, आरएमएस करंट फाइंड करो। देखिए अगर हम लोग आई आरएमएस लिखें क्या फॉर्मूला होगा, वी आरएमएस अपॉन आर, वी नॉट नहीं होगा, वी आरएमएस लेना पड़ेगा। वी आरएमएस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम वी आरएमएस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू, वैल्यू रख देंगे हम लोग 10 अपॉन अंडर रूट टू, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रख दीजिएगा, आपको वी आर एम एस आ जाएगा, आई आर एम एस बस यहाँ रख देंगे। एक चीज़ तो ये हो गया, आई आर एम एस पूछा था उसने, कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा टी तो आप एफ से फाइंड करेंगे ओमेगा की वैल्यू, लेकिन आई नॉट की वैल्यू ये जो आई आर एम एस आपने कैलकुलेट किया है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, समझ गए। एक वैल्यू गिवेन आई आर एम एस, तो आई नॉट फाइंड कर लीजिए, क्लियर है। नहीं ये हाँ इससे भी पता कर सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपन आर, इससे भी कर सकते हैं या इससे पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी करंट इज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, यानी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और आई इफेक्टिव ये दिया हुआ है 5 एम्पियर, देन व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आप पीक वैल्यू निकालेंगे आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई इफेक्टिव, ठीक है। तो अंडर रूट टू इंटू आई इफेक्टिव 5 है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की जो मीन वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए कितना होता है भाई, 2i0 ना, तो 2i0 की वैल्यू कितनी है, हाँ 5√2 है, वही रख देते हैं फिलहाल, और पाई 3.14 ये जो आएगा आंसर यही होगा इसकी आई मीन की वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज ज़ीरो, सीधी बात है कि आई इज इक्वल टू आपको निकालना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये निकालना है आपको, आई नॉट पता है ओमेगा पता है टी पता है, निकाल लीजिए कैसे, देखो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 5 अंडर रूट टू साइन ओमेगा के रखेंगे 2πf, तो यहाँ रखो 2 इंटू पाई पाई इंटू एफ 50 इंटू टी, ये हमें दिया हुआ 1/300, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 अंडर रूट टू साइन पाई बाई 3, सही है, 2 से डिवाइड कर देंगे पाई बाई 3, क्लियर। तो ये आ गया वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करिए, आई की वैल्यू आपको आ जाएगी, ये आई की वैल्यू कब है, आफ्टर 1/300 सेकेंड, हाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको कोई देख लीजिए, चलिए गाइड कर दे रहा हूँ, सॉल्व करिए इसको ना, ये तो बहुत आसान है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज वोल्टेज वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये आपको पूरा पूरा एक्सप्रेशन गिवन है ईएमएफ का, 140 साइन 300 टी। देखो अगर आप वेयर टी इज इन सेकेंड, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो हमें क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है बस, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 वोल्ट, ये पहले का आंसर हो गया पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। दूसरा इट्स आरएमएस वैल्यू, तो अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर ईएमएफ अपॉन अंडर रूट टू, तो 140 अपॉन अंडर रूट टू से आ जाएगा, है ना। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपके पास है ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा 300 है यहाँ पर गिवन है, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 300 है, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2πf इज इक्वल टू 300, यहाँ से f की वैल्यू 3/2 × 3.14 सॉल्व कर लीजिए इसको।
तो क्या करना है, हमें कंपेयर करके वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है ना, उसके बाद सॉल्व करना आगे। चलिए नोट करिए, अगला न्यूमेरिकल कुछ कराते हैं इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक कॉइल हैज़ एन इंडक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, यानी ये वैल्यू गिवन है हमें एल की 1 हेनरी। कह रहा है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव ए रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम, यानी आपको गिवन है एक्सेल की वैल्यू, वह है 3142 ओम, इस पर आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। देन कह रहा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है कि जब रिएक्टेंस सेम हो जाए यानी एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी, उस वक्त आप सी की वैल्यू बताइए। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी एफ, हमारे पास एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल यानी कि 2 पाई एफ एल, ये हो गया एक्सेल। यहाँ से हमें एफ निकालना होगा तो ये होगा एक्सेल अपॉन 2 पाई एल। वैल्यू रख देते हैं, एक्सेल की वैल्यू हमारे पास है 3142 अपॉन 2 × 3.14 × 1 की वैल्यू। ये सिंपल से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ये 2 पॉइंट हटा दें तो यहाँ 00 हो गया है ना, पॉइंट हटाया तो 2 प्लेस पे था, 2 00 हो गया। अब ये 3142 कट करोगे तो करीब आएगा ये 1000 के आसपास, 1000 पॉइंट समथिंग, और 2 से डिवाइड करोगे सीधे सीधे कितना आ जाएगा 500 समथिंग। तो ये आ गया 500 हर्ट्ज़ समथिंग, ऐसे ही आएगा 500। कैसे किया मैंने, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो बढ़ गए, मैं देख रहा हूँ नीचे 314 है ऊपर है 3142 00, खाली ये 2 का फ़र्क है ना, और अगर यहाँ 0 होता तो सीधे सीधे 1000 आता, 2 है तो 1000 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2 से डिवाइड करो 500 के आसपास आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेंटेंस को समझना ज़रूरी है इसमें, क्या कह रहा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी सी पूछ रहा है विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी भी यही लेना। और सेम रिएक्टेंस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सी को हम क्या कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सेल को क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो गया एक्सी इज इक्वल टू एक्सी, एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी, तो यहाँ से सीधे सीधे एक्सी के फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा एल यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ एल कह रहा हूँ मैं, सी लिखना चाहिए 2 पाई एफ सी। तो यहाँ से सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ एक्सी 1 अपॉन 2 × 3.14 × f, f हमारे पास 500 आया था और एक्सी की वैल्यू यहीं पर हो जाएगा एक्सेल के बराबर यानी 3142। सॉल्व करिए देखिए आंसर आ जाएगा, इतनी आएगा 0.11 माइक्रोफेरेट। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके फिर आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको। चलिए तो हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, आपने ट्राई कर चुके हैं, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कह रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू 220 sin 100 πt, यानी इक्वेशन गिवन है ईएमएफ का, इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1 बाई पाई हेनरी, यानी एल की वैल्यू है। तो इससे एक बात पता चली कि इस सर्किट में एल लगा हुआ है, इसने कहा है कंटेनिंग, सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस, यानी अगर मैं सर्किट की बात करूं तो ये इस तरीके से होगा एसी सप्लाई और यहां पर इंडक्टेंस लगा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें एल की वैल्यू आपको पता है 1 पाई हेनरी और साथ ही साथ ईएमएफ पता है हमें इक्वेशन 220 sin 100 πt। कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू सर्किट। देखो अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूला लिखूं तो आई नॉट साइन यहां पर है 100 πt। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर सर्किट में लगा क्या है, चूँकि यहां सर्किट पर इंडक्टेंस लगा है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 लैग करता है, यानी यहाँ पर होगा -π/2। अब इक्वेशन में एक चीज़ हमारे पास कमी है,
वो है आई नॉट की वैल्यू नहीं पता हमें। तो आई नॉट की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होगा आई नॉट इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल इसलिए किया क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो लिखते एक्सी, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो यहाँ पर लिखते आर, और ये माइनस पाई बाई टू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें अब एक्सएल भी निकालना पड़ेगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। अब ओमेगा एल कैसे पता चलेगा, ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, अब आप क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर कर लेंगे साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, तो यहाँ हो गया 100 पाई इंटू एल की वैल्यू है 1/π, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया 100 ओम। तो यहाँ रख दीजिए ईएमएफ नॉट हमारे पास है 220 अपॉन एक्सएल 100, ये आ गया 2.2 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए आई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 2.2 एम्पियर, यानी इक्वेशन बन सकता है 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई टू। ये पहला आंसर है इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। सेकंड आंसर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर इफ़ कनेक्टेड इन द सर्किट। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, और मैंने कहा कि जो सप्लाई आती है वो होता है आरएमएस वैल्यू, और जो भी हम अप्लाइंसेस लगाते हैं वो जो रीडिंग करके हमें देगा, जाहिर सी बात जो सप्लाई आ रही वही देगा, तो हमें क्या देगा, वो आरएमएस देगा, वीआरएमएस देगा, यही देगा हमें, है ना। पीक वैल्यू हमें नहीं पता होता तो पीक वैल्यू निकालनी पड़ती है कभी भी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अप्लाइंस आपने लगाया एसी एमीटर वो रीडिंग क्या दे रहा है, इसका मतलब वो आईआरएमएस हमें दे रहा है। तो अगर हमें आईआरएमएस निकालना हो तो उसके लिए हमें चाहिए पीक वैल्यू ऑफ करंट बाय टू। पीक वैल्यू कितना है, 2.2 अपॉन अंडर रूट टू, कितना आ रहा है, हाँ 1.556 एम्पियर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके सॉल्व, चलिए ठीक, ओके।